नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बेहतरीन शेयर के बारे में जिस पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आगे चलकर एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। आपको इतना रिटर्न मिलेगा आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसमें लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है ये सारे शेयर्स आपको जो है करोड़पति भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स हैं और इसमें आप जब इन्वेस्ट करते हैं आपका पोर्टफोलियो भी काफी डाइवर्सिफाई रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रहे कि मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो आपको जो इन्वेस्ट करना है वो बाय ऑन डिप्स करना है जब मार्केट में करेक्शन आता है, या हो सकता है मार्केट यहां से और ज्यादा ऊपर भी जा सकता है। तो ये सारे शेयर भी मार्केट के साथ ऊपर जा सकते हैं, जिसमें से पहला जो स्टॉक है हमारा वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री। आप फेविकॉल तो जानते ही होंगे। फेविकॉल इंडियन मार्केट में फेविकॉल के टक्कर में कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं है जो कि फेविकॉल को टक्कर दे सके, और ये आपको शेयर प्राइस के जो चार्ट है उससे भी रिफ्लेक्ट होगा। देख लीजिए, 1999 से अभी तक कंपनी के शेयर प्राइस का चार्ट देखेंगे तो कुल 24,000% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, कितना बेहतरीन रिटर्न है। अगर आप बात करें यहाँ पर 5 ईयर्स के चार्ट का, तो 5 ईयर्स में देख लीजिए कंपनी का शेयर प्राइस जो है काफ़ी बेहतरीन है, 214% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, इस शेयर प्राइस का जो चार्ट आपको दिख रहा है टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चार्ट लगातार अप ट्रेंड है। उसका कारण है कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, जो रेवेन्यू है, और रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है कंपनी इतना बेहतरीन क्यों है, क्योंकि मार्केट में कंपनी का मोनोपोली है। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है फेविकॉल, उसके टक्कर में फेविकॉल फेविक्विक के टक्कर में कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। तो जो कंपनी का प्रोडक्ट है, अगर बिजनेस कंपनी का अच्छा है, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, तो बस बिजनेस के साथ आपको बने रहना है। जिस दिन आपको लगता है कि फेविकॉल जो है मार्केट का फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं है बल्कि कोई दूसरा प्रोडक्ट इस कंपनी के प्रोडक्ट को मतलब पीछे छोड़ रहा है, तो फिर आपको इस शेयर से एग्जिट हो जाना है। अदरवाइज ये स्टॉक्स काफ़ी एवरग्रीन स्टॉक है, जिसे आपको कभी भी मतलब सेल नहीं करना है। बस आपको इस स्टॉक के साथ बने रहना है, मतलब इस बिजनेस के साथ बने रहना है। आप बहुत सारे स्टॉक में देखेंगे काफ़ी उतार चढ़ाव गिरावट देखने मिलेगा, लेकिन इस स्टॉक में काफ़ी कम करेक्शन आपको देखने मिलेगा। देखिए, तो छोटा मोटा करेक्शन होता है, फिर स्टॉक्स एक ज़बरदस्त रैली करता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। अगला है हमारा रिलैक्सो फुटवेयर, ये भी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। अभी इसका करेंट प्राइस है 843 रुपीज़। वहीं पिडिलाइट का जो अभी करेंट प्राइस था वो था 1778 रुपीज़। रिलैक्सो फुटवेयर ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। अगर 1 ईयर का चार्ट देखेगा तो 1 ईयर में कुछ खास रिटर्न नहीं है, 1 ईयर में कंपनी 23% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। वहीं 5 ईयर्स में देखेगा तो ये भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे रहा है, 269% का पॉजिटिव रिटर्न 5 ईयर्स में। वहीं मैक्सिमम ईयर की चार्ट की बात करें तो ये भी देख सकते हैं कंपनी का चार्ट जो काफ़ी सॉलिड है। थोड़ा सा पैंडेमिक में इसमें गिरावट आया, 2011 से अभी तक में कंपनी 5,800% का रिटर्न दिया, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ से पैंडेमिक में कंपनी के शेयर के प्राइस में एक ज़बरदस्त करेक्शन देखने मिला था, जहाँ पर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। इस शेयर के बारे में हमने कई बार आपको बताया भी था, ये वो स्टॉक है जो आपको आने वाले समय में एक मल्टीबैगर रिटर्न देगा, बस आपको इसके साथ इन्वेस्टेड रहना है। इसी सीरीज में हमारा जो तीसरा स्टॉक है, ये सारे स्टॉक वो सारे स्टॉक है जो आप बहुत ही कम मतलब आप इसको जानते हैं, काफ़ी कम न्यूज में रहता है, क्योंकि ये सारे जो स्टॉक्स है इसके प्रोडक्ट इतने एवरग्रीन है कि ये हमेशा मार्केट को लीड करते हैं। तो ये इस स्टॉक के बारे में आप ज़्यादातर न्यूज नहीं सुनेंगे, बल्कि ये इसका जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो आपको शेयर प्राइस के चार्ट पर दिख जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये है एशियन पेंट, करेंट प्राइस है 2,740 रुपीज़, और कंपनी का चार्ट देखिए कितना सॉलिड है। इस कंपनी के भी शेयर के प्राइस में काफ़ी कम गिरावट आया है, और देख सकते हैं रिटर्न 22,000% का रिटर्न दिया है पिछले 20 साल में। तो दोस्तों, ये सारी वो स्टॉक है जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, और ब्लू चिप कंपनियां होने के साथ साथ आपको एकदम कांस्टेंट अच्छा रिटर्न देते हैं। आप 1 ईयर में देख लीजिए, 5 ईयर में देख लीजिए, हमेशा ये आपको पॉजिटिव रिटर्न देंगे। तो दोस्तों, इसका जो अभी करेंट प्राइस है 2,740 रुपीज़, और ये स्टॉक मैंने आपको तब बताया जब ये 1,700 के आसपास था, उस समय अगर आप इन्वेस्ट करते तो अभी आप अच्छा खासा प्रॉफिट में रहते। लेकिन दोस्तों, इसमें याद रहे कि स्मॉल कैप के जैसा आप जो कहते हैं कि 2 साल में 3 साल में 10 टाइम्स रिटर्न हो जाएगा, वैसा रिटर्न आपको इसमें नहीं देखने मिलेगा। लेकिन जो भी होगा, आप इसमें एकदम चैन की नींद के साथ, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इसमें रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। उसके बाद अगला हमारा स्टॉक है जीएम फॉर्डलर।
मिलर ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। यहाँ पर जो इनका प्रमोटर्स है उन्होंने इसमें खेल बिगाड़ दिया, नहीं तो ये स्टॉक भी अपने शेयर होल्डर को काफी मालामाल करते जा रहा था। यहाँ पर जो 7000 प्राइस था शेयर का, लेकिन यहाँ पर OFS लाया गया मात्र 3500 पर, जहाँ से ये शेयर काफी बुरी तरह से क्रैश हुआ। इसी कारण से इस शेयर में आपको देख सकते हैं यहाँ पर जबरदस्त गिरावट देखने मिल रहा है, नहीं तो यह शेयर भी लगातार अप ट्रेंड में रहने वाला था। 2018 से यह स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में था और इन्वेस्टर को 755% का रिटर्न दे चुका था, लेकिन यहाँ से इस जबरदस्त करेक्शन के बाद ये स्टॉक इसी प्राइस रेंज पे 3650 और 3500 700 इसी के आसपास लगातार कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो यह सिनेरियो लगातार इस स्टॉक के साथ बना हुआ है। नहीं तो यह स्टॉक भी काफ़ी बेहतरीन था, कंपनी के प्रोडक्ट भी काफ़ी बेहतरीन है। तो ये स्टॉक अगर आपको मिलता है गिरावट पे और ज़्यादा तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनियों में से एक है। इसी सीरीज में हमारी जो अगली कंपनी है वो है डीमार्ट। राधाकृष्ण दमानी का बेहतरीन कंपनी है, क्योंकि वो एक इंडियन स्टॉक मार्केट के एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, तो उनकी ये कंपनी है और इसका करेंट प्राइस देख लीजिए 2730 रुपीज़ इसका करेंट प्राइस है, जो कि काफ़ी बेहतरीन प्राइस है। और ये स्टॉक मैंने तब से आपको बता रहा जब ये 1200 का करता था, 1600 का हुआ करता था, 2000 का हुआ करता था, और उस 2000 के बाद तो लगातार मैं इस स्टॉक को बताता आया हूँ कि काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी बेहतरीन है, जो आप अमेरिका की वॉलमार्ट देखते हैं सेम उसी तरह की ये इस कंपनी का भी बिजनेस है। खुद का बिल्डिंग बनाते हैं, खुद का मतलब सारा चीज़, मतलब सारा कॉम्प्लेक्स जो होता है, दुकान जो होता है, सारा चीज़ कंपनी का खुद का होता है, और जो प्रोडक्ट सेल करती है वो दूसरे कंपनियों का, साथ साथ खुद अपना ब्रांड का भी प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह का बिजनेस है इस कंपनी का, और इसके शेयर के प्राइस को देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया लॉन्ग टर्म में, 342% का रिटर्न दिया है 17 से 2021 तक में, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया इन्वेस्टर को। और अगला जो स्टॉक है इस कड़ी में हमारा वो है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। इस कंपनी का भी शेयर प्राइस है 2300 और ये कंपनी भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। ये स्टॉक मैं आपको तब से बता रहा हूँ जब ये 1200 का हुआ करता था, और ये भी देख लीजिए काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, मतलब मैक्सिमम ईयर में अगर 5 ईयर्स की बात करें या मैक्सिमम ईयर की बात करें तो ज़्यादा लिस्टिंग नहीं हुआ है, 2016 में ही कंपनी लिस्ट हुई, वहाँ से थोड़ा सा इसमें करेक्शन देखने मिला था कई सालों तक, लेकिन यहाँ से 2018 से जो कंपनी का शेयर प्राइस यहां से मोमेंटम पकड़ा है, तो अभी तक मैं देख सकते हैं 166% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे चुका है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी में से एक है, साथ ही साथ ये कंपनी डिविडेंड भी पे करती है 0.52% का, तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, डायग्नोस्टिक लैब है और पूरे ऑल ओवर लगभग इंडिया के सभी स्टेट में इस कंपनी का बिजनेस है, और साथ ही साथ कंपनी का जो है आउटसाइड कंट्री भी बिजनेस है, मतलब एक MNC कंपनी भी ये बन चुकी है। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि इसका जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे आधारित है, तो ये कंपनियां आपको आने वाले समय में एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा। तो इस कंपनियों के साथ आप बने रहिए, इन्वेस्टेड रहिए, साथ ही साथ बता दें ये कंपनियां बिल्कुल डेट फ्री है, ये सारे सारे जो लगभग स्टॉक्स हैं डेट फ्री है। अगर इसके इंडिविजुअल वीडियो भी हम बनाएंगे जिसमें आपको डिटेल में इस कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस को बताएंगे। अगला है हमारा HLE ग्लॉसकॉट, इसका करेंट प्राइस है 1440 रुपीज़। ये कंपनी भी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन काफ़ी कुछ समय से ये कंपनियां भी एक ही शेयर मतलब प्राइस पर कंसोलिडेट हो रहा है, वो देख सकते हैं 1400 और 1450 रुपीज़ इसके आसपास ये लगातार कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें खास मोमेंटम एक साल में नहीं देखने मिला, लेकिन फिर भी 132% का रिटर्न दे रहा है एक साल में, और कंपनी का शेयर प्राइस जो वो 1800 से भी ऊपर मतलब 1900 तक गया था, वहाँ से लगातार कंसोलिडेट हो रहा है। 2006 से अभी तक रिटर्न की बात करें तो 15000% का रिटर्न दे चुका है ये कंपनी, और ये एक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। दोस्तों इस तरह की कंपनियों जो है डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा खासा देती है, यहाँ पर देखते हैं 0.31% का डिविडेंड यील्ड है, जबकि शेयर प्राइस काफ़ी जंप हो चुका है। ये शेयर प्राइस मात्र 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ का हुआ करता था, मतलब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 3% का डिविडेंड यील्ड था इस कंपनी का, और ये 3% का डिविडेंड यील्ड होने के बावजूद ये कंपनी इतना अच्छा आपको रिटर्न दे रही है ग्रोथ के साथ। देखते हैं मात्र एक साल में ये कंपनी जो रिटर्न दिया, मतलब अगस्त 2019 से जनवरी 2021 तक में बात करें तो
45% का रिटर्न। तो दोस्तों ये सारी बेहतरीन कंपनियां थी, ऐसी ही बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स थे वो काफ़ी इवरग्रीन स्टॉक्स थे, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स थे। आप चाहे तो इसमें बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, ये सारे स्टॉक में जब भी गिरावट आता है तो बाय ऑन डिप्स करेंगे, मतलब हर डिप पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपका इसमें से तीन सबसे फेवरेट शेयर आप बताना है, आपके लिए कौन सबसे तीन फेवरेट शेयर था। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको ₹20 पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ ₹20 पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।